ट्रेन में बेस्ट है कि AI से यहाँ पर बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, ABCD भी नहीं आते तो वहाँ पर सिखाया जाता है, टाइम वेस्ट नहीं हो पाता शायद में, वहाँ के जो शेड्यूल है वो एक बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत इस्लामिक माहौल है, मतलब आपको फजर के वक्त उठाते हैं, एक घंटा कुरान पाक पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, वहाँ पर बच्चे तहज्जुद में भी उठते हैं, तहज्जुद में भी उठते हैं वहाँ पर। डिस्ट्रैक्शन से बच के अगर आप अपने सीधे रास्ते पर लगे रहे, जिस तरह आपकी फैकल्टी सर हफ्ते हफ्ते वहाँ प्रोग्राम होता है, लोग आते हैं समझाते हैं मोटिवेट करते हैं। शाहीन की सबसे बड़ी कामयाबी, शाहीन हर फील्ड में कामयाब इसलिए है क्योंकि पाँच वक्त नमाज होती है। सबसे पहली बात ये देखिए, पांच वक्त अपने रब के आगे सजदा करते हैं, अपने रब के आगे सिर झुकाते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आया और वहाँ पर दो साल पढ़ा, स्टार्टिंग में तो मुझे टफ लग रहा था, हमदे उसके बाद सबके साथ मिला, हमदे अच्छे पढ़ने का मौका भी मिला, अच्छा टाइम मैनेज कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2023 में 645 मार्क्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आया। वहाँ पर डिस्काउंट भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब है तो वहाँ फ्री भी किया जाता है। ज़िंदगी में हमेशा काम तो करना ही है, या तो अभी स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई कर लो, यानी तो बाद में लेबर पढ़ाई कर कर आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं तो अगर छोड़ कर चले जाएंगे तो कुछ छोटा मोटा काम करेंगे, छोटा मोटा काम करना ही, लेकिन वर्क तो करना ही पड़ेगा। AICU में रखा गया जहाँ पर मुझे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और हमारी जर्नी के पीछे खासकर अब्दुल कादिर सर का फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाऊँ कॉलेज फीस, रहन सहन उतने मतलब उतनी फैसिलिटी के साथ। मौका देना चाहिए बच्चियों को तो खास कर की, क्योंकि आज की सराउंडिंग में एक इंडिपेंडेंट लड़की होना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल मौका दें। और जब आपके सामने ऐसा इदारा है कि आप सेफली अपने बच्चियों को भेज सकते हैं तो बिल्कुल भेजना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहीन एकेडमी की कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म अता किया कि मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाई हूँ, और मैं अपने टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहाँ से ये सोच आती है मुझे नहीं पता। हम अगर इस्लाम के हिसाब से देखते हैं तो इस्लाम कभी नहीं कहता है कि लड़कियों को तालीम मत दो या कम उम्र में शादी कर दो। अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, हमें आइडियल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। बकवास के ताल्लुक से ये सोचा जाता था, 40-50 साल पहले से मैं भी सुना हूँ, हाफिज है तो टेलर भी बना दो ताकि मस्जिद कमरे में अपनी रोटी रोजी पूरी कर लेगा, ये सरासर गलत है, झूठ है, जुल्म ज्यादती है बकवास पर। मेरा तो मानना है हाफिज है तो IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, वो कुछ नहीं बना दो, डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का इंशाल्लाह बन जाएगा, फिर से खराब आएगा इंशाल्लाह। कुरान वही याद करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। आप लोग पर अल्लाह का फजल है, आप लोग पर अल्लाह का करम है, और अल्लाह कुछ रेवोल्यूशन चाहता है आप लोग से। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस का नाम आपने रोशन किया है, आपके वालिदैन को सलाम, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को सलाम, आपकी काविशों को सलाम, आपने जान डाल दिया है मदरसे के बच्चों में। अब इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मदारिस के बच्चों में ख्वाब है कि हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर देश के तरक्की में उलमा और हुफ्फाज़े इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंशाल्लाह।